भाई सदमे मत रहो यार, उठो भाई। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का दिन आपको पता है क्या होगा, आज है संडे और संडे के दिन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। तो यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम स्टार्ट हो चुका है और हम लोग भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और यहाँ पे अपना भारत का नेशनल एंथम स्टार्ट। तो अभी जस्ट हुआ है नेशनल एंथम दोनों टीमों का, तो अभी मैच जस्ट स्टार्ट होगा। तो अभी मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में। तो मैच शुरू हो चुका है और अभी एक ओवर हो चुके हैं और रन हुए पूरे 11 रन। रोहित शर्मा ने मारा एकदम धागा खोल दिया। यहाँ पे रोहित शर्मा आउट हो गए हैं और ग्राउंड पे आ चुका है किंग कोहली। रोहित शर्मा जाते हुए पवेलियन और विराट कोहली का पहला बॉल, पहला सिंगल। मजा आएगा मैच देखने में क्योंकि किंग कोहली आ चुका है ग्राउंड पे। केएल राहुल का विकेट गिरा है, अभी आया है सूर्य कुमार यादव और आते ही पहले बॉल पे चौका मार दिया, दूसरे बॉल पे बच भी गया क्योंकि बैट पे लगा ही नहीं था बॉल। तो क्या लगता है आज कौन जीतेगा? मानसू तुम्हें, राज तुम्हें? देखते हैं यार, अभी क्या बताएं। क्या लगता है जीतेगा कि नहीं इंडिया? वैसे तो जीतना चाहिए यार, क्या शॉट मारा है यार। तो ऋषभ पंत आउट यहाँ पे, क्या भाई खुश हो गए? ये दुखी ये तो खुश हो रहा है क्योंकि हार्दिक पांड्या आएगा इसके बाद ना, और वो उसको मैच से मतलब नहीं है, वो बिंदास मोबाइल में लगे रहेगा जो कि मेरा ही ब्लॉग देख रहा है। क्या बोले हो? कमेंट्स देख रहा है, ब्लॉग भी नहीं दिख रहा है। यूट्यूब पे चलाने लगा है, ब्लॉग नहीं दिख रहा है, बैक कर दिया है। यहाँ पे हम लोग चारों लोग बैठकर मजा ले रहे हैं मैच का, लेकिन यहाँ पे एक चीज का कमी है वो कि जो कि अनिल भाई का। अनिल भाई अगर आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो हिमांशु आपको बहुत मिस कर रहा है। कर रहा है भाई, कर रहा है, मिस कर रहा है। हम चारों मिस कर रहे हैं और इस बैक को, लेकिन वो नहीं कर रहा है, प्रतीक नहीं कर रहा है, कर रहा है वो भी। और यार 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 और यहाँ पे हार्दिक पांड्या का विकेट गया। यार आज हार्दिक पांड्या 0 रन बनाकर आउट हुआ। अब आए हैं दीपक हुडा, आज लगता है सब। भाई क्या लगता है, विराट कोहली 50 मारेगा? हाँ मारेगा। प्रतीक प्रतीक तुम बताओ, उसमें बोलना क्या यार, मारेगा ना भाई? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कहाँ से आई है इंडिया और पाकिस्तान में? अफगानिस्तान जीतेगा ऐसे मार। यूपीएससी मिशन 2022, हम तो अब भी खेलेंगे उसका, अफगानिस्तान की। तो भाई यहाँ पे विराट कोहली का 50 हो चुका है जो कि 6 मारकर 50 पूरा किया है। कोहली का हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड। अब विराट कोहली स्ट्राइक पर है, देखते हैं क्या करता है। दो रन लेगा, अरे विराट कोहली आउट गया यार, आउट गया, आउट। और देखिए भाई आउट गया, आउट गया। सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर विराट कोहली ने 32। अब राजे पिछले पे, अरे जोड़ी 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 शॉट नहीं मिला, शॉट अच्छा था। तो अभी मैच का लास्ट ओवर चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा मतलब रोमांच आ चुका है मैच में। वाइड बॉल यहां पे, अब मजा आएगा मैच में। ओवर की 3 बॉल हो चुकी है और 1 रन भी नहीं आया है। तो इंडिया की बैटिंग खत्म हो चुकी है और टारगेट दिया है पाकिस्तान को 182 का, और अब देखते हैं पाकिस्तान चेस कर पाता है कि नहीं। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि चेस कर पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टारगेट हो चुका है और विराट कोहली ने शानदार हाफ सेंचुरी कंप्लीट किया है।
तो आप मिलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के वक्त। तो हाँ, यहाँ पे मैच शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की बैटिंग भी आ चुका है और फर्स्ट ओवर की 4 गेंदे 5 रन। हम लोग कुछ मंगाया है खाने पीने के लिए और ये खाने भी स्टार्ट। ओए यार 4 रन। हम लोग 4 लोग थे लेकिन फतेह गया अपने घर क्योंकि उसके घर से कॉल आ गया तो चला गया। और मैं हूँ मानसु राज है। तो अभी 13 ओवर 4 गेंदा 114 रन 2 विकेट पाकिस्तान का और तब से एक भी विकेट गिरा ही नहीं रहा है। पता नहीं मैच में क्या होगा। अब मैच काफ़ी करीबी मतलब 50-50 हो चुका है दोनों टीमों का। यहाँ पे नवाज काफ़ी अच्छा खेल रहा है पाकिस्तान का, 14 बॉल 32 रन। क्या लगता है ब्रो? तो मैच में काफ़ी रोमांच जा चुका है। 5 ओवर 47 रन और वो बेचारा वहाँ पे जाकर लेट गया क्योंकि उसको मैच ही नहीं दिख रहा है और यहाँ पे अलग से मोबाइल चला रहा है और मैं इधर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। कुछ कह नहीं सकते कि मैच में होगा क्या क्योंकि पाकिस्तान भी गजब चाप दिया है भाई साहब, पिट रहा है इंडियंस को। इंडियन बॉलर को धुलाई हो रही है पक्के। मोहम्मद रिजवान और नसीम गजब मार रहे हैं यार। पानी कर कह रहे हैं सब लोग विकेट लो भाई विकेट लो। यहाँ पे विकेट गिर चुका है नवाज का और भुवनेश्वर कुमार ने विकेट दिलाई इंडिया टीम इंडिया को। कब से इंतजार था कि कब विकेट गिरेगा पाकिस्तान का, कब गिरेगा, फाइनली भुवनेश्वर कुमार ने लिया। भाई साहब इंडिया का विकेट मिल चुकी है, भुवनेश्वर कुमार ने इंडिया को विकेट दिला दिया है। यार कब से वेट कर रहा था कि विकेट लो यार विकेट लो, फाइनली भुवनेश्वर कुमार ने विकेट लिया। ताबड़तोड़ प्लेयर था जो भी था नसीम का घर कुछ यार, 20 बॉल 42 रन 220 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, नवाज नाम था उसका। और यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा बेचैनी हो गया कि सोफा रहते हुए भी कुर्सी पर बैठकर मैच देख रहा है और ठीक टीवी के सामने, और राज वहाँ पर बैठकर आराम से देख रहा है और मैं इधर बैठा हूँ। तो हमें जाकर कुछ चेहरे पे स्माइल आए भाई, मोहम्मद रिजवान का विकेट मिल गया, हार्दिक पांड्या ले लिया यार। हमें तो लगा कि अकेले मैच जीतेगा पर अभी मैच इंडिया जीती नहीं है, अभी मैच में काफी मतलब कुछ भी हो सकता है। 7 रन, पता नहीं क्या होगा, कुछ कह नहीं सकता। हार्दिक पांड्या बल्लेबाज थे, मोहम्मद नवाज गेंदबाज थे, उसमें भी आउट हो गए थे रविंद्र जाडेजा, ऐसा लगा कि फंस गया। उसके बावजूद अब 2 गेंदों में 2 चाहिए। अब तो लग रहा है वो जो एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल में है इट्स अ ब्लेसिंग क्योंकि वो 5वां चाहिए अभी। आशीदीप एक और यॉर्कर नहीं, ये फुल टॉस गिर गया, ये सामने की तरफ शॉट है, एक तो हो गया गेम टाइट, स्कोर इक्वल। ना ये थ्रो नहीं है, थ्रो पे जान नहीं है। पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत गया है 5 विकेट और 1 गेंद बची थी अभी। टॉस जीता था, मैच जीता है। 5 विकेट से ही पिछला मुकाबला हारे थे, 5 विकेट से ही इस मुकाबले को जीता है। राउंड 2 ऑफ दिस राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट स्टैंड्स इक्वल ऑन 1-1। पहला राउंड भारत के नाम, दूसरा राउंड पाकिस्तान ने किया पलटवार। भाई सदमे मत रहो यार, उठो भाई। तो इंडिया मैच हार चुकी है और पाकिस्तान 5 विकेट से मैच जीत चुकी है। तो इसी के साथ ब्लॉक को करते हैं एंड, अब मिलते हैं सीधा फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में।